हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है और हम सब चाहेंगे अपने घरों को ब्यूटीफुल और शानदार तरीके से डेकोरेट करना। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सब ने अभी तक पेपर को कितने तरीके से यूज किया है, या फिर आप पेपर को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, और क्या आपने कभी न्यू बुक और कॉपी को खोल के उसकी खुशबू ली है? नीचे कमेंट करें। आप सोचते होंगे कि ये आज पेपर के बारे में इतना क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है। ये है जेनी पेंटो और इनकी कंपनी ऊर्जा पेपर से इको फ्रेंडली लैंप के साथ साथ होम डेकोरेशन का भी काम करती है, जो कि प्योरली सस्टेनेबल और कंपोस्टेबल है। पर इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। शुरुआत में जेनी का जन्म मुंबई में हुआ था और स्टार्टिंग में ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, जहाँ पर वो वेल सेटल और गुड अर्निंग कर रही थी। पर जब वो माँ बनने वाली थी तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे थे और वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रही थी कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही है और उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे कैसा हो रहा है। और साथ ही वो सोचने लगी थी वो अपने चाइल्ड को किस टाइप के सराउंडिंग में ग्रो करना चाहेगी। और तभी उन्होंने डिसाइड किया और इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को परस्यू किया, सिर्फ अपने पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी। पर स्टार्टिंग में किसी को ये पता नहीं था कि जेनी का ये स्टेप इंडियन पेपर रिसाइकलिंग और लाइटिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस टाइप के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। 1930 में इन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट किया और हैंडमेड रिसाइकलेबल पेपर के ऊपर काम करने लगी। दरअसल इस पेपर को बनाने में किसी टाइप के पेड़ को काटा नहीं जाता, बल्कि एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि बनाना फाइबर को यूज में लाया जाता है और उनसे पेपर बनाया जाता है। इस आइडिया से फार्मर के वेस्ट से उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है, और क्योंकि इस पेपर को बनाने में प्लांट सेलुलोज को यूज में लाया गया है तो ये पेपर काफ़ी ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिस कारण इस पेपर को शानदार तरीके से लाइटिंग और डेकोर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जेनी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी सेटअप किया हुआ है, जिनसे ये इंश्योर करती है कि कम से कम पानी का वेस्टेज हो इस पेपर मेकिंग प्रोसेस में। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में मात्र 22% ही वेस्ट और यूज्ड पेपर को रिसाइकिल किया जाता है। पर जेनी के इस इंडस्ट्री में आने के बाद और सारे यूथ और बिजनेस लीडर के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। करेंटली ऊर्जा इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस बन चुका है डेकोर और लाइटिंग इंडस्ट्री में। साथ ही साथ इन्होंने कई बड़ी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट भी किया है, जैसे कि फैटी बॉय, गूगल, लिंक्डइन और यहां तक कि रिलायंस के साथ भी। अगर आप इनके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एट लास्ट मुझे पर्सनली लगता है कि जो कंपनियां फ्यूचर में हमारे कचरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो वन ऑफ द मेगा कंपनी बन जाएगी इस प्लेनेट पे।